नाजरीन पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। शाहीनबाग में बीते 17 दिनों से लगातार महिलाएं सड़कों पर डटी हुई हैं इस काले कानून को लेकर के, और इस काले कानून के खिलाफ जो शाहीनबाग की महिलाओं ने एक हुंकार इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ भरी, उससे यकीनन भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ गई। तो ये प्रोटेस्ट को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस की नाको दम हो चुका है और दिल्ली पुलिस लगातार हर पैतरे अपना रही है कि कैसे इन महिलाओं को हटाया जाए, कैसे इन लोगों को यहां से खदेड़ा जाए जो इस काले कानून के खिलाफ अपने एहतजाज को दर्ज करा रही है। ये शाहीनबाग का वो प्रोटेस्ट है जहां से देश भर से कुछ कुछ लोग यहां पहुंच करके इन महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से शाहीनबाग की महिलाओं के खिलाफ एक लेटर कुछ लोगों को भेजा और उन लोगों को हटाने की बात कही, उससे दिल्ली पुलिस घिरी तो लोगों ने मुखालफत करना शुरू कर दी। जब शांति पूर्ण तरीके से इस एहतजाज को दर्ज किया जा रहा है तो आपको किस बात की तकलीफ है, और हम तब तक नहीं हटने वाले जब तक ये काला कानून ये तानाशाही हुकूमत वापस नहीं ले लेती। पर इसी के साथ साथ दिल्ली के शाहीनबाग पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, तो वहां पर अभी किसी भी तरीके के हथकंडे को अंजाम नहीं दिया गया। जब शाहीनबाग की तरह सिलमपुर की महिलाओं ने एहतजाज दर्ज कराना चाहा, तो दिल्ली पुलिस ने क्या हरकत की है उस हरकत पर भी एक बार आप लोग नजर डालिए, क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर हम लोगों के सामने आया है उसने दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। यहाँ पड़ेंगे भाई, उनके प्रोडक्ट बेकार है ना। इसे भेजूंगा उसको, गुलजार को। हाँ हाँ अच्छी थी, बनाए शुरू अच्छी थी, आगे चले गया उन्हें उनसे थोड़ी दिक्कत है, वीडियो बना आरामी होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये वीडियो जो है सिलमपुर का है। शाहीनबाग की महिलाओं की तरह सिलमपुर की महिलाओं ने भी बेड़ा उठाया कि वो भी इस काले कानून के खिलाफ अपने एहतजाज को दर्ज कराएंगी। कल सिलमपुर में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद फैज खान वहां मौजूद थे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके का पूरा रवैया वहां दिल्ली पुलिस और प्रशासन का था। शाहीनबाग के एहतजाज को देख के वहां भी जाफराबाद में 48 नंबर गली से एक एहतजाज शुरू करना था, रैली महिलाओं की निकलनी थी इस काले कानून के खिलाफ। लेकिन मदीना मस्जिद के पास, जाफराबाद में मदीना मस्जिद के पास महिलाएं इकट्ठी होनी शुरू हुई, और उन महिलाओं के साथ साथ वहां के स्टूडेंट्स जो कि स्कूल लेवल के थे, कुछ जामिया के स्टूडेंट्स जो सिलमपुर जाफराबाद बिरमपुरी के आसपास इलाकों के थे, और कुछ जर्नलिज्म और सोशल वर्क के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे जो कि इस एहतजाज में शामिल होने चाह रहे थे। लेकिन अचानक जब वो इकट्ठा होने शुरू हुए मदीना मस्जिद के मरकजी चौक की तरफ, तो एकदम पुलिस का काफिला आना शुरू हो गया और उन्होंने मस्जिद को दोनों, उसके दो गेट हैं, दोनों गेट को घेर लिया और बेहद पुलिस के साथ आए थे ब्लू ड्रेस वाले।
तो उन्होंने ये कहा कि हम आपको इकट्ठा नहीं होने देंगे, हम आपको एहतजाज नहीं करने देंगे। उन्होंने वहां पे काफी सख्ती दिखाई, महिलाओं को डराने की कोशिश करी कि आप भीड़ मतलब हिंसा भड़का रहे हो, आप ये प्रदर्शन गलत कर रहे हो। तो इसी पे मदीना मस्जिद के इमाम साहब ने फिर ऐलान करा और क्या नाम है पुलिस वालों से बात करी कि हम अपने इलाकों में एहतजाज क्यों नहीं कर सकते, हम किसी रोड जाम नहीं कर रहे, हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम अपने इलाके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते अपने इलाके में होकर के। तो उनसे रीजन पूछा कि आप तू यहाँ क्यों आए हो, आप हमें क्यों भेज रहे हो, हमें प्रदर्शन करने नहीं दे रहे। तो उन्होंने उनका ये कहना था कि हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आया है कि यहाँ पे एहतजाज ना करने दिया जाए या लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। उन्होंने क्या किसने ऑर्डर भेजा है हमें उसका प्रूफ दो। तो उन्होंने इस बात ये बात कही कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो जाफराबाद की नहीं है, ब्रह्मपुरी या सिलमपुर की नहीं है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ इन इलाकों के नहीं है, वो बाहर के आए हैं जो कि यहाँ हिंसा भड़काने आए हैं। असल में हम देखें जब वो प्रदर्शन सिलमपुर जाफराबाद में हुआ था तो वहां पे भी कई वीडियो आप सोशल मीडिया पे वायरल हुए कि हिंसा जो है वो खुद पुलिस भड़काती है, आकर वो खुद लोगों को उकसाती है कि वो अपने हिंसा पे उतर आए। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अमन शांति से अपना प्रदर्शन को दर्ज कराया। जुमे के दिन जो हम दो हफ्ते पहले अगर देखें जुमे के दिन भी लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था, कई लाख लोग इकट्ठे हुए थे जाफराबाद और सिलमपुर रोड पर, उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से करा। तो उन महिलाओं जब महिलाएं इकट्ठी हो गई मदीना मस्जिद के पास, उनको वापस भेजा गया ये डराकर कि आपके साथ आप लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा हिंसा भड़काने को लेकर। तो महिलाएं कोई नहीं चाहता कि उनके खिलाफ ऐसे केस दर्ज हो, फिर उन्हें भी काम होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपना काम, तो इसलिए वो लोग चले गए। स्टूडेंट्स को भगा दिया गया, जबकि उसमें कुछ मेरे दोस्त भी शामिल थे, वीडियो सामने आई है, उसमें देखा जा सकता है कि वो लोग वहीं के थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। ये सिर्फ ये लोग प्रशासन ये चाहती है कि ये लोग इकट्ठे ना हो, किसी तरह का प्रदर्शन ना करें। ये जो कानून आया है काला कानून, इसके आवाज दबाने की कोशिश मुकम्मल तौर पे हमारी सरकार कर रही है। इसे नमो ऐप पर देखेंगे तो वो इसका प्रचार कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि ये कानून बहुत अच्छा कानून है, जबकि ये ऐसा कानून नहीं है, ये हमारे संविधान का हनन करता है। अब कुछ लोगों की अगर हम बाइट देखें तो वो सीधा सीधा ये बताएंगे कि मुसलमान जो राम मंदिर के फैसले पे कुछ नहीं कहा, तीन तलाक के फैसले पे शांत रहा, लेकिन अब बात हमारे संविधान की है, हम मुस्लिम्स की बिल्कुल बात नहीं है, बात संविधान की है। इसलिए सिर्फ मुस्लिम नहीं, इसमें सभी धर्म के लोग अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और प्रदर्शन में अपना एहतजाज कर रहे हैं। फैज, मैं इसी के साथ जानना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं मस्जिद को दोनों तरफ से घेर लिया गया, उस प्रोटेस्ट में क्या सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही थी या और भी महिला उसमें शामिल थी, जैसे सिख महिलाएं हो गई और हिंदू महिला हो गई, उस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा पता लग पाया? उस प्रोटेस्ट में पता लगा कि जो हमारा ब्रह्मपुरी है जाफराबाद के पीछे, वो हिंदू बहुसंख्यक इलाका है, वहां की महिलाएं भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थी। वो वहां पे सिर्फ महिलाएं मुस्लिम नहीं थी, वो हिंदू महिलाएं भी वहां मौजूद थी जो कि छोटे छोटे एनजीओ चलाती हैं, वही अपना एक ग्रुप बना के अपना गृह इकट्ठी हुई थी इस प्रोटेस्ट के लिए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस अपने मनमाने रवैये पर उतर आई है। पहले तो ये बताने की कोशिश करती है कि यहाँ प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, और जब उनसे इसके बारे में पूछा जाता है कि बताइए कि किसने मना किया, तो वो उन बातों को भी छुपाते हुए नजर आ रही है। जब शाहीन बाग में अपना ताकत नहीं दिखा पाई दिल्ली पुलिस, तो जो जगह जगह पर शाहीन बाग की महिलाओं को देख करके महिलाएं सड़कों पर उतरना चाह रही हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, यहां तक कि केस दर्ज करने तक की धमकी दी जा रही है। मैं ऐसे ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।